कोलकाता में महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप एंड निर्मम हत्या पर देश भर में डॉक्टर आक्रोशित हैं। हिमाचल प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ ने भी घटना पर दुख व्यक्त करते हुए ऐसे अपराध के लिए कठोर सजा की मांग की है। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश चिकित्सक अधिकारी संघ के महासचिव विकास ठाकुर ने हिमाचल में भी चिकित्सकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ स्टेट हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि हिमाचल में भी चिकित्सकों के साथ कई बार दुर्व्यवहार हो चुका है। एक महिला चिकित्सक को भीड़ की हिंसा के चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैंज कुल्लू जिला के हेड इंजरी हो गई थी। इस संदर्भ में भी संघ ने उसे समय चिकित्सकों की सुरक्षा के साथ हेल्प इंस्टीट्यूशन में हेल्थ केयर पर्सन फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशन और इंस्टीट्यूशन प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नियम लागू करने की मांग की थी, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी इस समस्या को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दरकिनार किया गया। आज भी हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था स्टेट हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि केंद्रीय हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट की तरह शीघ्र अतिशीघ्र लागू करने की सरकार से मांग करता है। हिमाचल में कई जगहों पर राजकीय सेवाएं देने के लिए स्टाफ नर्सों और महिला चिकित्सकों एवं चिकित्सकों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होने के कारण एक खौफ का माहौल बना हुआ है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास ठाकुर, जनरल सेक्रेटरी हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन। आज जो हमारी वार्ता रखी गई है वो है जो कोलकाता में हमारी रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ जो जघन्य अपराध हुआ वो बहुत ही दुखद और असहनीय है और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। और जो इस तरह से जो हमारे चिकित्सकों की जो सेंट्रल प्रोटेक्शन हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट और सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम किए जाने के संदर्भ में रखा गया है, आज के जो हमारे 24/7 इंस्टीट्यूट हैं और बाकी भी संस्थान हैं वहाँ सुरक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में जो लेडी डॉक्टर हैं या जो स्टाफ नर्सिस हैं जो एक एक पोस्टेड हैं और वो जो रात्रि सेवाएँ देती है वो उनके लिए बहुत ही मतलब एक चिंताजनक और बहुत ही मतलब प्रेशर वाली इवेंट होती है। तो उस संदर्भ में और जो ये हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट है, ये जो जितने भी स्टाफ नर्सिस हैं जितने भी हमारे हेल्थ प्रोफेशनल हैं उनकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। इस संदर्भ में जो है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट और जो हमारे राज्य है उसमें स्टेट हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाना चाहिए। उसके बाद जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं वहाँ सिक्योरिटी की व्यवस्था की जानी चाहिए और जो हमारे चिकित्सकों के ड्यूटी आवर्स हैं उनको डिफाइन किया जाना चाहिए। कई कई जो ऐसे हमारे 24/7 इंस्टीट्यूट हैं वहाँ एक ही चिकित्सक पोस्टेड होता है, तो महीने में उसके एक छुट्टी भी लेनी हो तो बहुत मतलब जोर लगाना पड़ता है। और उसी तरह से जहाँ जहाँ 2 या 3 चिकित्सक हैं उनको भी बहुत ज़्यादा ड्यूटियाँ कर रही हैं और ड्यूटी आवर्स उनके बहुत ज़्यादा हैं। तो इस संदर्भ में जितने भी हमारे ये इंस्टीट्यूट हैं उनको इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सुदृढ़ किया जाए ताकि जो जनता है उनको बेहतरीन सुविधाएं मिले। इस संदर्भ में इससे पहले भी जो है इन संस्थानों से चिकित्सकों की डेपुटेशन जो है अन्य जगह कर दी गई और उन जो सिविल हॉस्पिटल हैं CHCs हैं उनमें चिकित्सकों का ड्यूटी लोड भी बढ़ा। तो इस संदर्भ में बाकी स्टेट्स की तरह हमारे चिकित्सकों के ड्यूटी आवर्स निर्धारित हों। उसके बाद जो है हमारी PG पॉलिसी है, PG पॉलिसी में भी अमेंडमेंट हो, इसे जो है इसका जो पीरियड रखा गया है उसको 1 से 4 साल रखा गया है, इसे घटाकर मिनिमम 2 साल किया जाए और ये PG पॉलिसी जो है इंसेंटिव मार्क्स हैं वो उनके डेट ऑफ ज्वाइनिंग से काउंट किए जाएं। इसके बाद हमारी पहले की भी बहुत सी डिमांडें रही हैं, जैसे डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन है, इसे सेंटर की तर्ज पर लागू किया जाए। उसके बाद जो हमारे NPA है उसको भी केंद्र सरकार की तरह पुनः लागू किया जाए और प्रधानाचार्य और जो स्वास्थ्य अधीक्षक हैं उनकी शक्तियों को वापस किया जाए। और जो हमारे हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उसमें जो हमारे प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं वो मेडिकल ऑफिसर्स ही हैं, उनकी मिनिमम डिग्री जैसा कि उत्तराखंड या बाकी राज्यों में MBBS है, इस आधार पे हमारे प्रोग्राम ऑफिसर रखा जाए और बाकी विभागों के जो हैं उनको उनके रिस्पेक्टिव विभाग में भेजा जाए। इसके बाद जो है हमारे जो ऑफिस बियरर्स हैं उनसे जो है पिछली बार मांगें रखी थी, तो आंदोलन के बाद जो है इन मांगों को दबाने के लिए जो है हमारे प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर स्टेट इकाई के इनकी ट्रांसफ़र कर दी गई। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट से भी जो है प्रेसिडेंट सोलन उनकी ट्रांसफ़र हो गई, कोषाध्यक्ष जी की ट्रांसफ़र भीमीरपुर के कोषाध्यक्ष की ट्रांसफ़र हो गई और कुल्लू के जो कार्यकारिणी सदस्य हैं उनकी भी ट्रांसफ़र कर दी गई। इस तरह से मैं चाहता हूँ कि हमारी मांगे जनता के हित में
जेन्यून है और आंदोलन को कुचलने के लिए इस तरह की ट्रांसफ़र नहीं की जाए, क्योंकि एक जो चिकित्सक का जो एक पेशेंट के साथ इंटरेक्शन और रिलेशन होता है, पेशेंट डॉक्टर रिलेशन होता है, तो वो बहुत समय के बाद बनता है और चिकित्सक जानता है कि इस मरीज़ को इतने समय से ये बीमारी है, तो ये डॉक्टर पेशेंट का जो रिलेशनशिप है इसे भी ना तोड़ा जाए। अभी जो 2022 के बाद जो है हिमाचल में कोई भी चिकित्सकों की भर्ती नहीं हुई है और लगभग 400 से अधिक पद जो हैं रिक्त चल रहे हैं। और इसमें भी जैसे अब स्वास्थ्य विभाग से हमने कई बार सीनियरिटी लिस्ट मांगी तो स्वास्थ्य विभाग हमें सीनियरिटी लिस्ट देने में नहीं दे पाया है। इसकी भी कमेटियाँ बनाई गई तो उनकी कोई बैठक नहीं हुई, तो ये एग्जैक्ट जो स्टाफ पोजिशनिंग है वो मतलब सैकड़ों में है, जिसका जो टोटल इकाई हमें मतलब अभी तक नहीं मिली है। तो उसके बाद जैसे कि खंड चिकित्सा अधिकारी हैं, उनकी लगभग 30 पोस्ट खाली हैं, तो उसके लिए भी ऑनलाइन ACR उपलब्ध कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था, लेकिन विभाग जो है उस वार्ता के 3-4 महीने बीत जाने के बाद भी जो है उनकी DPC नहीं कर पाया है। और इस संदर्भ में जो दिए जाने वाला डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम है उसको भी केंद्र की तर्ज पर लागू किया जाए।